इंसान पृथ्वी का सबसे जिज्ञासु प्राणी, जिसको जिज्ञासा के चलते हमें नए नए आविष्कार देखने को मिले और इन आविष्कारों को करने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग भी किए। कुछ प्रयोग तो यार बहुत ही सफल हुए और कुछ ने बहुत ही विनाशकारी प्रभाव छोड़ा। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही प्रयोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे धरती का विनाश होते होते बचा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आपका होस्ट, लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो इस लिस्ट में नंबर वन पे आता है स्टारफिश प्राइम। स्टारफिश प्राइम एक परमाणु परीक्षण था जो 9 जुलाई 1962 को परमाणु ऊर्जा आयोग और अमेरिकी परमाणु एजेंसी के सहयोग से आयोजित किया गया था और यह इंसानों द्वारा किया गया सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण था अंतरिक्ष में। जी हाँ, इसका परीक्षण अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर किया गया था। आप इसके विस्फोटक का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें TNT के 1.4 मेगाटन के बराबर पावर थी। इसके विस्फोट से पहले वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि अगर इसके विस्फोट के बाद इसका रेडिएशन अगर हमारी पृथ्वी के ऊपरी एटमॉस्फेयर में आता है तो बहुत ही जल्दी एक भयानक रेडिएशन पूरी पृथ्वी पर फैलकर अपने पूरे जीवों को तबाह कर देगा और हमारी ओजोन जो लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसका भी ये पूरी तरह से विनाश कर देगा। लेकिन थैंक्स टू गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी इसके विस्फोट के बाद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर एक हाई एनर्जी रेडिएशन बेल्ट का गठन जरूर हो गया और उस समय वहाँ पर 2 से 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट थे। उन सैटेलाइट्स को ये पूरी तरह से इसने बर्बाद कर दिया और इसके धमाके का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष से 400 किलोमीटर नीचे हमारी धरती पर इसके विस्फोट के बाद रोशनी पूरी तरह से हमारी धरती पर फैल गई। पूरा पैसिफिक ओशन लाल से नीला हो गया और अगले कुछ सालों तक वहाँ पे जितने भी सैटेलाइट गए वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। आप स्टारफिश प्राइम का ये प्रभाव हमारी पृथ्वी पर अगले 5 सालों तक पूरी तरह से बना रहा। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ये है कोला सुपरडीप बोरहोल। यह पृथ्वी पर अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है इंसानों के द्वारा बनाया गया और इसकी शुरुआत 24 मई 1970 को सोवियत संघ के द्वारा रूस में की गई थी। शुरुआत में इस प्रयोग का उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के पपड़ी में जितना संभव हो उतना गहरा ड्रिल किया जाए ताकि पृथ्वी की सतह पर कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिले। तो शुरुआत में इसकी खुदाई कुछ दिन तक चली, लेकिन जब ये 12,262 मीटर तक पहुँचा तब इसकी खुदाई को बंद करना पड़ा क्योंकि पृथ्वी के इतने नीचे का तापमान 300 डिग्री तक हो गया था और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि अगर ये प्रयोग हम इसी तरह से करते रहे तो इससे एक बहुत ही बड़ा हाई इंडेक्स सेस्मिक वेव यानी कि भूकंपीय लहर बन सकता है जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कुछ धार्मिक लोगों का ये भी कहना था कि पृथ्वी के इस छोर पर इस गड्ढे के नीचे पाताल का दरवाज़ा है और अगर ये खुदाई इसी तरह से आगे की गई तो सारे शैतान बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इस प्रयोग से कुछ नए प्रकार के चट्टान और बेसाल्ट की खोज जरूर हुई। नंबर थ्री पे आता है ट्रिनिटी टेस्ट। ट्रिनिटी यह एक दुनिया का सबसे पहला परमाणु विस्फोट का कोड था जो 16 जुलाई 1945 को सुबह 5:29 पर यह परीक्षण मैक्सिको के पूर्व में जुर्नेडो डेल मोरेटो नाम के एक रेगिस्तान में किया गया था। इसके परीक्षण के पूर्व वैज्ञानिक एनरिको फर्मी, जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज भी कहा जाता है, वो काफ़ी घबराए हुए थे। उनका मानना था कि इस परीक्षण से जो रेडिएशन निकलेगा वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से मिलकर एक चेन रिएक्शन बनाएगा जिससे पृथ्वी के सारे जीव धीरे धीरे उनका पूरा विनाश हो जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से बेजान हो जाएगी। लेकिन अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर उन्हें यह परीक्षण करना पड़ा, लेकिन उनका अनुमान पूरी तरह से गलत निकला और इस विस्फोट के बाद ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ
बट इसके विस्फोट के बाद इसने 5 फीट गहरा और 30 फीट गड्ढा जरूर बनाया और उस समय वहां आसपास के पहाड़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए दिन की तुलना से भी ज्यादा रोशन कर दिया और गर्मी के कारण इस एरिया का पूरा माहौल एक ओवन की तरह हो गया। इसके झटके को 160 किलोमीटर दूर तक भी महसूस किया गया और इसके विस्फोट से निकला धुआं 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरी तरह से पहुंच गया। तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है प्रोजेक्ट सीरस। यह अपनी तरह का एक पहला ऐसा प्रयोग था जिसमें नेचुरली हरिकेन को, मतलब प्राकृतिक तूफान के मार्ग को मोड़ने का प्रयोग किया गया था। यह ऑपरेशन GF कॉरपोरेशन, अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर किया था। सन 1940 के अंत में अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर से आ रहे एक तूफान को मोड़ने का प्रयास किया गया और इसमें वैज्ञानिकों का मानना था कि शुष्क बर्फ के बीज भारी वर्षा को प्रेरित करेंगे और इस प्रकार तापमान को ठंडा करके तूफान को कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन इस प्रयोग में इसका कुछ उल्टा ही हुआ और यह तूफान गलती से जॉर्जिया के एक छोटे से शहर से जा टकराया, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई और 200 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान भी हुआ। इस प्रयोग के बाद UN के पर्यावरण संशोधन कन्वेंशन ने भविष्य के ऐसे सभी प्रयोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जो मौसम को बदल सकते थे। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 पे आता है SETI। SETI का मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ, यानी कि दूसरे दुनिया के जीवों के बारे में अध्ययन। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है दूसरे ग्रह के जीवों से संचार बनाने का। सन 1896 में एक महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक सिद्धांत दिया कि रेडियो सिग्नल का उपयोग कर हम दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियन से संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने इस पर कुछ प्रयोग भी किया। बाद में सन 1899 में उन्हें कुछ संकेतों का अध्ययन करने पर यह पता चला कि कुछ सिग्नल किसी और ग्रह से आए थे। उन्होंने इस पर कुछ और रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि ये सिग्नल मंगल ग्रह से आए थे। इसके बाद 1971 में नासा ने भी इस विषय में काफ़ी दिलचस्पी ली और उसने हैवल पैकेट कॉरपोरेशन को कुछ फंड दिया इस विषय पर रिसर्च करने को। 15 अगस्त सन 1977 को जेरी एहमन, जो कि हैवल पैकेट कॉरपोरेशन के एक प्रोजेक्ट वॉलेंटियर थे, उन्होंने भी एक अलग तरह की सिग्नल को महसूस किया। उसके बाद अमेरिका ने इस रिसर्च को पूरी तरह से बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह सिग्नल दूसरे ग्रहों के जीवों की चेतावनी थी कि हमसे संपर्क बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने इस धरती पर आकर अगर हमें कंट्रोल करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। स्टीफन हॉकिंग का भी ये कहना है कि जहाँ पर 2 सभ्यताओं का अगर सामना हो जिनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित हो, तो उन सभ्यताओं में जो सबसे ताकतवर होगा वो दूसरी सभ्यता को पूरी तरह से विनाश कर देगा। तो इन सारे प्रयोगों से हमें ये पता चलता है कि इंसान की एक छोटी सी गलती कितना बड़ा खतरा ला सकती है जिससे कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप ही के मोबाइल पे आए। और अगर आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया तो यार अपने फ्रेंड में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।